हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले नेट के एग्ज़ाम्स आप देना चाह रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी। ये हमारा बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में बेसिकली ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है बिगनर्स के लिए। बट उसके अलावा अगर आप ऐसे हो कि आपकी प्रिपरेशन चल रही हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये बिगनर्स और एडवांस लेवल के जो लर्नर्स हैं दोनों को ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। उसके बाद टीचिंग का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लर्नर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फैक्टर्स कौन से ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एड क्या क्या है और इवैल्यूएशन सिस्टम्स क्या होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जो मैं इसमें कवर करती जाऊंगी। स्टार्टिंग में मैं जो बेसिक क्लासेस लूंगी वो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड होंगी। इसके बाद आपके एडिशनल टॉपिक्स इसमें ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा जब ये आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिनिश होगा, उसके बाद हम MCQ क्लासेस रखेंगे। MCQ क्लासेस लाइव होंगी, उसमें आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एज वेल एज आप बाद में भी उनको देख के उन क्वेश्चन आंसर्स से हेल्प ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि मीनिंग क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो पहले देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग बताया हुआ है कि अवेकन ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम टू फाइंड इट हिमसेल्फ। तो ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने दी थी डेफिनेशन। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, जॉय का अवेकन होती है और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को हम टीचिंग कहते हैं। इसके अलावा गैलीलियो ने बोला था कि किसी को भी आप कुछ भी पढ़ा नहीं सकते हो, कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे चीज़ों को सीखना है। तो बेसिकली एप्टीट्यूड जो टीचिंग है, टीचिंग इज़ बेसिकली आर्ट इन विच वी ट्राई टू एक्सप्रेस आर सेल्फ इन क्रिएटिव वे। ओके, और ये एक क्या है, ये एक पासिंग ऑफ नॉलेज है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके अलावा एप्टीट्यूड, हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग की डेफिनेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसके वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। ओके, तो जो हमें पता है कि टीचिंग का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ समझाना या पढ़ाना या उस नॉलेज को शेयर करना। तो जिस नॉलेज को हम शेयर करने की बात कर रहे हैं उसको किस एबिलिटी के द्वारा शेयर किया जा रहा है, इसका मतलब होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अ कंपोनेंट ऑफ अ कंपिटेंसी टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन लेवल। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंपिटेंसी होती है, जो एबिलिटी एक पर्सन के अंदर उस काम को करने के लिए। अब यहाँ पे हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग की एबिलिटी क्या है, एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है टीच करने की, वो आपकी हो गई एप्टीट्यूड। तो ये होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपकी बेसिक मीनिंग हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी तरह की टीचिंग होती हैं, जो कि टाइप्स ऑफ टीचिंग है। टाइप्स ऑफ टीचिंग में तीन तरह की टीचिंग यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेजियस फेयर टीचिंग। तो ये आपकी थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ टीचिंग है। चलिए देखते हैं डिटेल में कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है। देखिए, ऑटोक्रेटिक जो वर्ड है आपका, ऑटोक्रेटिक, उससे आप क्या समझ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे हम अथॉरिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा पर्सन आपको टीच करेगा या ऐसा पर्सन टीचिंग प्रैक्टिस करेगा जो कि अथॉरिटेटिव नेचर का है या जो कि अथॉरिटी में बिलीव करता है। तो अथॉरिटेटिव टीचिंग कैसी होती है, एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मैच्योर पर्सन होता है और एक थोड़ा उससे लेस मैच्योर होता है। मतलब वो मैच्योर पर्सन वो होगा जो टीचिंग को दे रहा है और लेस मैच्योर पर्सन वो होगा जो टीचिंग को ले रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन, ये दोनों ही पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे और उसके थ्रू वो जो पहला पर्सन है वो दूसरे को टीच करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक अथॉरिटी है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है विच इज़ अथॉरिटेटिव इन नेचर। तो इसलिए इस टाइप की टीचिंग को हम अथॉरिटेटिव टीचिंग कहते हैं। बेसिकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका क्लासरूम
टीचिंग तो क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, टीचर होता है वो आपका एक ऐसा पर्सन हो गया जो कि मेच्योर पर्सनैलिटी है, और आपके स्टूडेंट्स हो गए जो कि आपके लेस मेच्योर या इमेच्योर हैं, जिनको वो मेच्योर पर्सनैलिटी अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ टीचिंग वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या मतलब क्या होता है कि इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। अब डेमोक्रेटिक टीचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हम डेमोक्रेटिकली किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसको टीच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल बिहेवियर की बात की जा रही है। अब इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या है, मतलब आप अपने रिएक्शन से, आप जो एक्शंस कर रहे हैं उस एक्शन की वजह से किसी और को उसके बिहेवियर को चेंज होने में हेल्प मिल रही है, तो इस तरह की टीचिंग को हम डेमोक्रेटिक टीचिंग कहते हैं, जहाँ पे एम ये होता है कि हम ऐसे टीच करें कि उसका बिहेवियर इम्पैक्ट हो या उसके बिहेवियर के अंदर चेंज हो, तो ये आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ टीचिंग जो है वो है लेजियस फेयर टीचिंग। अब डेमोक्रेटिक टीचिंग का एग्जांपल अगर आप कहेंगे तो बेसिकली अगर कोई ऐसा ट्यूटर है जो आपको पर्सनली टीच कर रहा है, आपको ट्यूशन दे रहा है, तो वो टीचिंग कैसे हो जाएगी, डेमोक्रेटिक टीचिंग हो जाएगी। या आपकी क्लासेस में भी वहाँ पे मतलब अगर कोई ऐसा टीचर है आपको जो डेमोक्रेटिकली पढ़ा रहा है, जो चाहता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो, तो वैसी टीचिंग को हम डेमोक्रेटिक टीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ टीचिंग है लेजियस फेयर टीचिंग। Is an arrangement or an manipulation of situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. अब लेजियस फेयर देखिए, लेजियस फेयर जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि put your hands off, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि एक पर्सन होता है वो एक दूसरे पर्सन को टीच करता है, बट वो डायरेक्टली उसको टीच नहीं करेगा, वो ऐसे टीच करेगा कि वो विद द कोर्स ऑफ द टाइम, मतलब जब वो अपने आप ही वो सीख जाए, ठीक है। मतलब कि आप किसी को सामने वाले पर्सन को टीच करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसको आप किसी वे में नहीं टीच कर रहे हो, उसको आप एक्टिविटी कराकर टीच कर रहे हो और टाइम बाय टाइम वो सीख जाएगा, ठीक है। आपका पूरा कंट्रोल नहीं है उस पर्सन के ऊपर, बस आप उसको बता रहे हो और वो पर्सन उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की टीचिंग को हम बोलते हैं लेजियस फेयर टीचिंग। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग, इन विच वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेजियस फेयर टीचिंग। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में एंड लेसन्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।